जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली, ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल को लेकर, जो जिनका कैंसिल ऑर्डर वापस से कैंसिल हुआ उनको लेकर कि उनकी ज्वाइनिंग कितने डिले हो जाएगी जिनके ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल आएँ, और किन किन का अभी भी कैंसिल ऑर्डर आ सकता है जिनके आपको पता है सरनेम में मिस्टेक, फादर नाम में मिस्टेक, या आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके खुद के कहीं नाम कहीं मैच नहीं खा रहे हैं, कईयों का अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा, आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम सेम नहीं है, तो उनको भी काफ़ी चिंता हो रही है इसको लेकर। जिनके ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आए वो भी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, जैसे सीआरपीएफ के अब नए नए बीएसएफ के भी ज्वाइनिंग लेटर सुनने में आ रहा है कि शुरू हो गए, कई बच्चों के पास में मेल आने लगी इसके बारे में भी सुनने में आ रहा है, एक दो बच्चों ने मेरे को सेंड भी किया, लेकिन अभी मैंने उनको चेक नहीं कर पाया हूं कि वो ओरिजिनल है या नहीं, कईयों ने मेरे को सेंड भी किया बीएसएफ के भी, तो वो अभी मैं चेक करूँगा जब उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये काफ़ी चिंताएँ चल रही हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो यह कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आप लाइक करिए, आपके डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके सामने रखा है, मैंने बंद तो नहीं कर रखा, आप डिसलाइक भी कर सकते हो आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो, ठीक है। हर एक आप जितने कमेंट करते हो मैं सभी का रिप्लाई नहीं करता, लेकिन रीड सभी को करता हूँ और उनके बारे में फिर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं सभी को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं, 400,000-2,000 भी कमेंट आते हैं तो सभी को रिप्लाई कर पाना तो पॉसिबल नहीं, आप इस बात को समझते हो, लेकिन सेम से कुछ मैसेज होते हैं फिर उनको मैसेज जो ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरे को उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहा है वो है कि सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले बच्चे भी पूछ रहे हैं और सीआरपीएफ में जिन बच्चों का अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो भी पूछ रहे हैं और चिंतित भी हो रहे हैं, उनके ईमेल भी मेरे को आते हैं। तो सबसे खास बात मैं बता दूँ आपको कि मैं पहले भी बोला हूँ कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो अलग अलग ग्रुप सेंटरों में होगी और आपका ज्वाइनिंग लेटर अलग अलग ग्रुप सेंटर इशू करता है, ठीक है। तो इस बार ज़्यादातर ये हुआ कि जो आपके नज़दीकी जिस है वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग दी गई है, लेकिन सभी को ऐसा नहीं होता कि सभी को वहीं पे ज्वाइनिंग देते, वहाँ पर एक कोटा होता है, लिमिटेशन होती है। तो मान लो जैसे मध्य प्रदेश वाले बच्चों को भोपाल ज्वाइनिंग मिल रही है, लेकिन सभी को तो नहीं मिल जाएगी ना भाई, भोपाल जी सी की तो एक लिमिट है, पूरा मध्य प्रदेश, आपको लगता है पूरे मध्य प्रदेश को भोपाल जी सी में मिल सकती है ज्वाइनिंग, तो ऐसा नहीं है। तो उनका क्या किसी और जिसे में होगा तो उसमें क्या कि डाक में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरे को जिस बच्चों का ऐसा मैसेज आता है कि सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, और मेरा मैसेज वापस उनको ये जाता है कि आप चिंता ना करो, थोड़ा सा वेट कर लो, 2-4 दिन आपका आ जाएगा, 1-2 दिन में उनका वापस मैसेज आता है कि सर हमारा आ गया, ठीक है। ऐसे मैं आपको 100 मैसेज बता दूंगा इंस्टाग्राम पर जिनको मैंने ऐसा बोला, उनके हर दूसरे दिन में मैसेज आ जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ी सी तसल्ली रखिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अगर हमारा नहीं आए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर किसी कारणवश आपका ज्वाइनिंग लेटर लेट होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो होगा नहीं किसी भी कारणवश। अब तो ईमेल भी आ रही है, मतलब जिन बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहे उनसे पहले उनको ईमेल मैसेज भी आ रहा है, अब कई बच्चों के पास में ईमेल भी आईडी गुम हो गई है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा पोस्टल से, और एक बार नहीं 2-3 बार भी अटेम्प्ट किया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, अगर नहीं पहुँचा तो उसका आप रीज़न देखे लेट भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी, ठीक है। आप जिस जिस चीज़ आपको आने वाला है वहाँ पर कंट्रोल रूम में भी फ़ोन कर सकते हो आप, अगर नहीं आएगा तो आपको वापस से कनेक्ट किया जाएगा, उसमें आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, पहली बात तो ये। अब ये क्वेश्चन रहता है कि जो जिनके कैंसिल ऑर्डर में वो किन किन के आ सकते हैं, देखो बायोमेट्रिक वालों के कैंसिल ऑर्डर आए हैं, इसके अलावा जो और आपने जो सीआईएसएफ वाले देखे थे उसमें उन बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, यानी मूल निवास में नाम कुछ और है, जाति प्रमाण पत्र में नाम कुछ और है, और उसके 10th क्लास की मार्कशीट में नाम कुछ और है, मतलब तीनों में मैच नहीं खा रहे हैं, इनकी वजह से उनके सरनेम में, फादर के सरनेम में या उनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए टाइम दे रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग को पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है, ज्वाइनिंग वही रह रही है, उनको ये बोल रहे हैं कि आप 10 दिन में डॉक्यूमेंट्स वापस से कंप्लीट करिए, सही से बनाइए और वापस हमको सबमिट करिए, तब आपकी ज्वाइनिंग इशू हो जाएगी। ये सीआईएसएफ वालों का जिनका हुआ उनका इस प्रकार से, तो उनको चिंतित करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के पास में ऐसा नोटिस आता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करा लीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। अब इसके बाद में जिनका कैंसिल ऑर्डर है वापस कैंसिल हो गया है, तो दोस्तों जिनके उसमें ये लिखा हुआ है, जो कैंसिल ऑर्डर भी आया उसमें आपको लिखा हुआ है कि किसी कारणवश, मतलब आपको कारण मतलब ऑफिस के किसी कारणवश आपकी ज्वाइनिंग को डिले किया जाता है, ना कि ज्वाइनिंग को कैंसिल किया जाता है, तो वो जो वेरीफाइड करते हैं, आपने जो 70 पेज लिखे थे उसमें आपके सिग्नेचर वेरीफाइड करते हैं, सिग्नेचर जिनके वेरीफाइड हो गए उनकी वापस से ज्वाइनिंग के कैंसिल ऑर्डर आ गए कि आपका कैंसिल ऑर्डर रद्द कर दिया गया, अब आप ज्वाइनिंग कर लीजिए इस डेट को। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे को किसी जिस ग्रुप सेंटर के काम पर डिपेंड करता है कि किसी ग्रुप सेंटर में प्रेजेंट टाइम में कितना काम है, तो उस काम पर डिपेंड करता है, उसकी वजह से 7-8-10 दिन लेट हो सकती है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगी, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर बाकी जो डिपार्टमेंट है इनमें ज्वाइनिंग कब आएगी, बाकी ज़्यादा तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपकी स्वतंत्रता के कुछ दिन हैं, आप इन्जॉय करिए, मस्ती करिए, अब आपको पता आपकी जॉब पक्की हो गई है, थोड़ी सी मस्ती करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज्वाइनिंग आ जाएगी। आप ये मान के चलिए, मैं बोल रहा था कि फरवरी लास्ट तक आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, तो आईटीबीपी के भी देखने को मिल रहे हैं और
BSF के भी बच्चों के पास में मेल आ रहे हैं तो BSF के भी आने लगे हैं। तो यानी आपके इस महीने में हो जाएगी, जैसे BSF का जम्मू सेक्टर आपने सुना भी होगा या कहीं आपने पढ़ा भी होगा, 1 अप्रैल से उनकी ट्रेनिंग शुरू बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब BSF का भी आ रहा है, CISF का भी आ जाएगा, ITBP का भी आ जाएगा, मतलब आप ये मान के चलिए 8 से 15 दिन 10-15 दिन के अंदर अंदर आप सभी के ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, मार्च के महीने में आप ज्वाइनिंग कर लोगे, इसके लिए आप चिंतित ना हो। अब एक जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ा जो परेशान कर रहा है बच्चों को, वो है मेडिकल, कि ज्वाइनिंग समय मेडिकल कैसा होगा सर। कोई बोल रहा है मेरी दाँत उखड़ रखी है, कोई बोल रहा है कि मेरे दांत में ये हो रखा है, कोई बोल रहा है सर मेरे पैर में चोट लग गई थी, कोई बोल रहा है यहाँ लग गई है। तो दोस्तों मैं पहले ही बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात हो, अब आपकी ज्वाइनिंग के दिन पास में, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें और ठीक रखने की कोशिश करें और फालतू के कामों में थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो। क्यों? अगर आपको चोट लग गई, आपको बाहर नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोला आपको बाहर नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग तो आपको ही करनी है ना। अगर आप में पैर की बोलते हैं ना, और ओछी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, तो ट्रेनिंग में, बट ट्रेनिंग में तो आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से अगर डैमेज हो गए, आप में कुछ प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गए ज़्यादा, आपके शरीर की क्षमता कम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी फिर सामने। तो इससे अच्छा ये है कि अभी आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और अब अगर किसी के चोट लग गई है, किसी के अगर दांत में लग गई है, किसी के नाक में लग गई है, किसी कान में, अगर हल्की फुल्की चोट है, मेरे को फोटो भेज रहे हैं बच्चे की, ये सर ये इसमें पास हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी मेरे को, या वापस रिमेडिकल, जब मेडिकल होगा तो कितने लेवल का होगा, हमारी आई साइड अब पता नहीं है कितनी है, आपकी आई साइड भी ठीक है और आप भी ठीक हो, ठीक है, कोई उसके लिए चिंतित ना हो। वापस मेडिकल होता है किसी विशेष बीमारी के लिए, हाँ उसमें लिखा गया कि आपका वापस से मेडिकल होगा, लेकिन जिस दिन आप ज्वाइन करोगे ना, उस दिन वापस आके चैनल पे बोल देना कि सर आप बोल रहे थे और बिल्कुल बात सही। लेकिन मैं आपको एक राय यहाँ पे ये भी दूंगा, अब ये नहीं कि आप अपनी जो बीमारी उसको मतलब आप तैयारी ना करो कि सर ने बोला था इस लेवल का मेडिकल नहीं होगा, तो तैयार भी कराओ उसको साथ में, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने से आपको टेंशन में आओगे, आपका शरीर भी ख़राब होगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है चिंता, आप मेडिकली फिट हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। वो किसी विशेष बीमारी, मान लो 12 महीने के अंदर अंदर आपको कोई विशेष बीमारी तो नहीं हो गई है, कोई विशेष प्रकार आपकी चोट तो नहीं आ गई, कहीं आपका हाथ पूरा फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, या पैर कहीं पूरा डैमेज तो नहीं हो गया, इस कंडीशन में वो मेडिकल में आपको फेल कर सकते हैं, इसके अलावा मेडिकल में आपको फेल नहीं होंगे। तो इसके लिए आप चिंतित ना करें, आपका जो मेडिकल हुआ था उसमें वो सभी आप पास हो उस मेडिकल में। उसके अलावा ये रूल है कि 12 महीने बाद में मेडिकल होता है, ये रूल है, तो रूल के अनुसार तो आपको कराएंगे, रूल तो आपको बताएंगे और रूल के अनुसार होगा भी, लेकिन होगा उन्हीं बीमारियों, बाकी तो आप फिट हो, वो फिट ही है दोस्तों, ठीक है। तो दांत का, कान का, नाक का, इनका ज़्यादा चिंता नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी है, या कोई जैसे पाइल्स का भी मेरे पास में ज़्यादा पॉइंट आ रहे थे कि सर हमारे पाइल्स हो गई है, या ज़्यादातर इस प्रकार की जो छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं वो होती, तो आप उनकी दवाई लीजिए, उनका इलाज कराइए प्रॉपर। अगर किसी बच्चे की ज़्यादा चोट आ गई तो ज्वाइनिंग कर लीजिए, ज्वाइनिंग के बाद में आपको वहाँ से पता चलेगा कि आपको टाइम दिया जाता है, या वहाँ पर रख कर आपको बोला जाता है कि ठीक है आप ज्वाइन कर लो, आप यहाँ पर तैयार कर लो, अगर आपकी बीमारी तैयार करने लायक होगी तो वहाँ पर ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और ये बोला जाएगा कि ठीक है आप यहाँ पर रहकर तैयार कर लो। अब ज्वाइनिंग पोस्टपोन को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम है, क्या हम ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम, तो दोस्तों उसके लिए आपको आपका जो ग्रुप सेंटर है जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग आई वहाँ पर जाके एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो एप्लीकेशन में आप लिख के दोगे रीज़न कि इस रीज़न से मेरे को 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, मैं 15 दिन बाद में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, या बहुत महत्वपूर्ण काम है, या परिवार में कुछ ऐसा काम है, या कोई मेडिकल की भी परिवार में, तो इस प्रकार का आपको वहाँ एक ठोस रीज़न देना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी एक्सेप्ट की जाती है नहीं की जाती है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ आपको एक्सेप्ट कर ली जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी रियल प्रॉब्लम हुई, कोई रियल स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न हो, तो प्रॉब्लम आपकी एक्सेप्ट भी कर ली जाएगी, तो इसके लिए भी आप ज़्यादा चिंतित ना हो। तो आप जहाँ आपकी ज्वाइनिंग आती है वहाँ पर जाके ये रिक्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।